हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जंक्शन में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 5th का यूनिट टेस्ट 3rd का मैथ का क्वेश्चन पेपर। बच्चों, ये आपको आपके एग्जाम की तैयारी करने में बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप इसकी तैयारी जरूर करें। ये इसके टोटल मार्क्स 30 मार्क्स हैं और टाइम आपको मिलेगा इसका 2 आवर्स। अब बच्चों, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि बच्चे पहले क्वेश्चन पेपर ढंग से नहीं पढ़ते और आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। तो आप पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें और फिर उनका आंसर दें। जैसे ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है राइट इन मीटर्स, यानी इसके जो क्वेश्चन है, जैसे ये 3 मीटर 45 सेंटीमीटर है, इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में। और कन्वर्ट करके जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरह ही आपको 5 क्वेश्चन है इनके, जिनके आंसर आपको देने हैं और सबको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करके और जो आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह ये 5 मार्क्स है, आप उसको बेलास मेथड से करना है। एंड बी सेक्शन जो है वो आपका हर क्वेश्चन 3 मार्क्स लिए हुए है। तो इसके अंदर जैसे आपको ये स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो आपको अपनी नोटबुक को पहले ड्रॉ करना है, उसको 9 सेंटीमीटर का है ये, और फिर उसका एरिया निकालना है। तो बच्चों, एरिया बच्चे क्या करते हैं, एरिया तो निकालते हैं बट उसका फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, लेकिन उसके भी मार्क्स होते हैं। तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर उसका एरिया निकालना है। इसी तरह जैसे बी सेक्शन है, उसमें आपको रेक्टेंगल बनाना है जिसकी विड्थ है 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और उसका आपको पेरीमीटर भी निकालना है। यानी पहले रेक्टेंगल बनाना है, फिर उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का भी आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। अब आता है हमारा सी क्वेश्चन। इसमें आपको जो हर क्वेश्चन है उसको एक एक मार्क से है, यानी ऐसे 6 क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना है। तो आपको इनको सबको डिवाइड करना है इनको इस तरह। जो सी सेक्शन है वो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स लिए हुए हैं, तो उसको भी आपको केयरफुली पढ़ना है। जैसे इसमें आपको जो 2200 कॉइन्स है उनका जो वेट आएगा उसको केजी और ग्राम, अगर वो दोनों में डिवाइड हो रहा है तो उनको दोनों में डिवाइड करके उनको आंसर देना है। यानी कितना केजी है और उसका ऊपर कितना उसका ग्राम है, और खाली केजी में आंसर आ रहा है तो फिर आपको केजी केजी के में, ये जैसे बी एंड सी दोनों में केजी में है, एंड ए और डी में केजी के साथ उसका ग्राम भी आएगा, तो ये आपको दोनों का आपको आंसर देना है। इसी तरह बी सेक्शन, बी क्वेश्चन जो है उसमें आपको राइट एंगल बनाना है, और एन एंगल मोर देन राइट एंगल एंड एन एंगल लेस देन राइट एंगल, यानी राइट एंगल से बड़ा भी और छोटा भी, दोनों एंगल ये भी बनाने हैं और एक ट्राइंगल भी बनाने हैं। तो हर पॉइंट को आपको दिखाना भी होता है, तो जो भी आप राइट एंगल और ट्राइंगल जो भी बनाएंगे उनके जितने भी पॉइंट्स हो उनको भी आपको उसमें मेंशन करना चाहिए, जिसमें मार्क्स कटने के कहीं भी चांस नहीं रहते। थैंक यू बच्चों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और आपको किसी भी टॉपिक पे हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। और हमारा ये प्रयास आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।